Dear students, we'll discuss about the concept of angular speed in this part. Okay? See here, तो angular speed का discussion जो बच्चे आता है बहुत basics है, हमने जो पढ़ा वो ये आता है कि भाई ओमेगा को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डी हीटा बाई डी टी। जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसको सेंटर से ज्वाइन करने वाला पोजिशन वैक्टर पक्की बार टर्न करता है। अगर मैं एक छोटा सा इंटरवल लूँ डी टी, उसमें अगर डी हीटा टर्न करता है तो ओमेगा क्या हो जाता है, रेशियो डी हीटा बाई डी टी। ये बेसिकली पार्टिकल का रेट ऑफ टर्निंग होता है, जिस रेट से पार्टिकल टर्न कर रहा है वो आपको ओमेगा मिला। यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है, सही। ओमेगा डी हीटा बाई डी टी वी बाय आर भी तो लिखते थे, सर्कुलर मोशन में आप इसे लिख सकते हैं वी बाय आर। कैसे, जब ओमेगा की बात करेंगे तो हीटा बाई डी टी, पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ टर्न करके आएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डी एस, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय रेडियस से हमें एंगल पता लग जाएगा। और जब आप डी एस और डी टी को साथ देखोगे तो कहोगे रेट स्पीड आएगा, तो ओमेगा की वैल्यू सर्कुलर मोशन में वी बाय आर होती है। तो ओमेगा को आप बोले रेट ऑफ टर्निंग ऑफ लाइन और पोजिशन वैक्टर इन सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन यू कैन डिफाइन इट इन बाय टू मेथड्स, इधर यू कैन से डी हीटा बाई डी टी रेडियन पर सेकेंड, और यू कैन से वी डिवाइड बाय आर। अब बच्चे एक बात समझो, जो वी डिवाइड बाय आर है ये सर्कुलर मोशन में हमेशा ध्यान रखना, जो वेलोसिटी आती है वो आपके पोजिशन वेक्टर से या लाइन से 90 डिग्री पर आती है। तो क्या सर हम इसे वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस लिखें, ब्रॉड सेंस में इसे वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस भी लिखा जा सकता है। कैसे, मान लो बच्चे एक पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर पाथ नहीं है, सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस फिक्स होती है, यहाँ डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर डिस्टेंस चेंज हो रही है तो इस समय आपकी वेलोसिटी का कुछ एंगल था डी सर, इससे था, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दीजिए, एक जो वी परपेंडिकुलर होगा वो बॉडी को टर्न कराएगा, वेक्टर को टर्न कराएगा, और वी परपेंडिकुलर जो पैरेलल आएगा अलोंग रेडियल जो आएगा, ये जो वैल्यू होगी ये आपके डिस्टेंस को चेंज कराएगा। तो इस सिनेरियो को पूछे तो ओमेगा किसके इक्वल होगा, तो वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस, क्या टर्निंग है, आंसर है। तो अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बात करूं बच्चे, यहाँ पर ये हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटेशन में क्या होगा कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो मास में कर्व होता है एलिप्स, उस ऑर्बिट में टर्न करते हैं, और सेंटर पे उसका सेंटर फोकस माना जाता है, वहाँ पे सन है। अब अगर मैं पूछूँ पार्टिकल के लिए तो सर क्या इस समय मान सकता हूँ सर सन और फोकस प्लेन की डिस्टेंस इतनी है, यस सर। थोड़ी देर अगर मान लेते हैं प्लैनेट आपका इस जगह आ गया तो क्या आपको लगता है ये ज्वाइन करने वाला पोजिशन वेक्टर टर्न कर गया, यस सर। टर्न करा तो आपको कि सर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा पोजिशन वेक्टर के परपेंडिकुलर और एक आएगा पैरेलल। दूरी बढ़ाने की जिम्मेदारी रेडियल पे होगी और घुमाने की जिम्मेदारी भी परपेंडिकुलर पे होगी। तो ओमेगा किसके इक्वल होगा, उस समय जो प्लैनेट की वेलोसिटी पोजिशन वेक्टर से 90 डिग्री पे होगी, डिवाइड बाय डी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डी। मैं तुमसे बात बताऊँ कि ओमेगा ज़ीरो हो सकता है, ओमेगा ज़ीरो हो सकता है, वी परपेंडिकुलर ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब अब ये ऐसे चल पड़े। जब ये सीधा सीधा अपनी लाइन में ही चल रहा होगा तो फिर ये घूमेगा ही क्यों, सर घूमना तभी पॉसिबल है जब आपका वी परपेंडिकुलर। मान लो एक पर्सन है, सोचो एक कार है, उस कार के मोशन को कवर कर रहे हो इस कैमरे से, ये कार आगे जा रही है। तो कार अगर आगे भाग रही है तो क्या इस कार को कवर करने के लिए कैमरे को टर्न करने की ज़रूरत होगी, ना सर बिल्कुल नहीं, सर नहीं ज़रूरत होगी। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर वी पैरेलल तो है पर वी परपेंडिकुलर कितना है, ज़ीरो, तो ओमेगा आएगा ही नहीं। तो ओमेगा को बच्चे हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से देखें, एक बढ़िया सा एग्जांपल लिया, फॉर्मूला वन रेस थी कहीं पे किसी कंट्री के, और ये बिल्कुल लास्ट लैप में चलते हुए ड्राइवर जो है बहुत विनिंग पोजीशन में आके अब बिल्कुल आराम से जा रहा है। वो कह रहा भाई अब तो मैं जीत चुका हूँ, यहाँ पे कहीं पे उसकी फिनिश लाइन थी और वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड से इंजॉय करता हुआ आगे चले जा रहा। लेकिन यहाँ पे जो कैमरामैन बैठा है उससे बोला गया कि भाई तुम इसको कवर तो करो, इसके फोटोग्राफ्स लो। तो भाई जब यहाँ पे कैमरामैन यहाँ पे कार होगी तो उसको इधर रखना पड़ेगा, कार इधर पहुँचेगी उसको अपना टर्न करना पड़ेगा, कार यहाँ पहुँचेगी टर्न करना पड़ेगा, कार यहाँ पहुँचेगी टर्न करना पड़ेगा। तो क्या कैमरामैन को अपना पोजीशन वेक्टर या कैमरे को टर्न करना पड़ेगा, ऑफकोर्स सर करना पड़ेगा। तो जब ये उसके पास से निकला था है ना, जब ये कार उसकी नियरेस्ट डिस्टेंस से निकल रही थी तो ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, वी, और डिस्टेंस कितनी थी, डी नॉट। इस मोमेंट पे क्या रेट ऑफ टर्निंग था, सर कैमरा तो घुमाना पड़ेगा, कैमरा किस एंगुलर स्पीड से घुमाना पड़ेगा, तो वी डिवाइड बाय डी नॉट। क्लियर,
लेकिन अगर तुम थोड़ी देर बाद आगे कहीं पहुंच गए, यहाँ पर जब तुम आगे यहाँ पहुंच चुके तो देखो दो चीज़ें बदली होंगी। एक तो तुम आगे आओगे, यहाँ पे आ गए तो तुम्हारी वो वेलोसिटी जो टर्निंग देगी वो वी नहीं होगी, वो वी कॉस थीटा होगी। तो अगर तुम भले इधर से जा रहे थे, इधर कितने चल रहे होगे, वी कॉस थीटा से, और तुम्हारी जो वी कॉस थीटा के बाद जो डिनोमिनेटर में डिस्टेंस आएगी वो ये होगी। तो तुम्हें इंटरेस्ट किस में होगा, दो चीज़ों में, कि भैया मेरा वी परपेंडिकुलर कितना और डिस्टेंस कितना है। तो ओमेगा अगर मैं मोटा मोटा पूछूँ तो वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर आ जाएगा। वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर में अगर बात करूँ, यहाँ से मैं टर्म्स को एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, फिर से समझो, ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी, वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। आर का क्या कुछ रिलेशन होगा, यस सर, आर का रिलेशन का ध्यान से देखो तो ट्राइंगल सबको दिखेगा, डी नॉट, ये आर, ये 37, ये कॉस थीटा लिख दो, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी नॉट डिवाइड बाय आर, और आर किसके इक्वल हो जाएगा, डी नॉट बाय कॉस थीटा। ये पॉइंट सबको समझ में आना चाहिए। तो आर की वैल्यू आ गई। अब आते थे वी परपेंडिकुलर कितना होगा, वी परपेंडिकुलर देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है, ये आया तो ये वी कॉस थीटा बना, तो वी कॉस थीटा आ गया। तो रेट ऑफ टर्निंग किस पे डिपेंड करेगा, वी कॉस थीटा डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो ये डी नॉट डिवाइड बाय कॉस थीटा, डी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, तुम ध्यान से देखो, पहले तुम्हारे पास ओमेगा वन जितना आ रहा था वो वी बाय डी नॉट था, अब तुम्हारे पास जो ओमेगा आ रहा है वो वी बाय डी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऑब्वियसली ओमेगा टू लेस देन ओमेगा वन होगा। और ये प्रैक्टिकली सही भी है कि जब कार पास से निकलेगी तेज़ी से तो आपको टर्निंग ज़्यादा रखनी पड़ेगी, दूर जाएंगे तो आपकी टर्निंग स्पीड भी स्लो होती जा रही होगी। क्लियर, तो ओमेगा ऐसा नहीं होता है बच्चे कि आप ऐसे याद करें कि वी बाय आर है, सर्कुलर मोशन वी बाय आर है, पर जनरल मोशन में से वी डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेसिक सबसे डेफिनेशन पूछी है, तो डी थीटा बाय डी टी होते हैं। तो ये एक डिस्कशन बच्चे मैंने आपको ओमेगा का दिया, जिसमें हो सकता है कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर ना चल के किसी और पाथ पर चले, तो वी डिवाइड बाय वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस से आंसर निकालेंगे।